staff, psychosocial welfare, candidate units, FAA, UND, Aisha, especially. Assalamu alaikum. यहाँ पे बैठी हुई मेरे साथ खवातीन और मर्द हजरात, तो सबसे पहले आज के दिन की मुनासिबत से मैं यहाँ पे बैठी हुई सारी खवातीन यहाँ और पूरे बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी खवातीन हैं, उन सबको इस दिन की मुनासिबत से मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ उनकी स्ट्रगल में। मैं समझती हूँ कि हर खातून अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रगल कर रही है, हर खातून की एक अलग स्टोरी है। मुझ समेत सब यहाँ पे आज बैठी हैं, उन सब सबकी एक अलग अलग स्टोरी है। मैं समझती हूँ कि इस सोसाइटी में मर्द जो स्ट्रगल कर रही है और सिंगल कर रही है, औरत जो है डबल डबल नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको घर में बाहर सोसाइटी में हर जगह एक प्रेशर का जो सामना करने पड़ रही है, उसके लिए मैं उसको एक बार फिर मुबारकबाद और सलाम पेश करती हूँ। यहाँ पे आज खवातीन के हवाले से और स्पेशली हमारे बलूचिस्तान की खवातीन के हवाले से बात हो रही है। हमारे भाई सना बलूच साहब ने बहुत अच्छी बातें की स्पेशली खवातीन के हवाले से। तो जब मैं वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो हमारे पास है, तो मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अपने कायद और सीएम वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगी। मैं समझती हूँ कि कम रिसोर्सेज कोलिशन एक हमारी गवर्नमेंट अलायंस में, कि हमारे साथ बहुत सारे और पार्टियां हैं, उन सारे मुश्किलात के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से खवातीन के इश्यूज को, और जो जब मैं उनसे स्पेशली खवातीन के हवाले से चीज़ों को उनके साथ डिस्कस करती थी, तो जिस हद तक मुमकिन है उन्होंने हमें सपोर्ट किया है, स्पेशली खवातीन वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को। तो स्पेशली मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का यकीनन जिक्र करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पिछले एतवार में हम लोग देखें उस टाइम से अभी का जो हम देखते हैं वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जिस तरह इस गवर्नमेंट ने का सपोर्ट और साथ रहा है, मैं समझती हूँ कि बहुत कम दूसरे एतवार में इन खवातीन के इशूज़ और चीज़ों को हाईलाइट किया गया और इन पर तवज्जा दी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने किए, सपोर्ट हमारा है यकीनन यूएन का हमारे साथ रहा है, स्पेशली आयशा और उनकी टीम जो होती है, और बहुत सारे और इदारे हमें सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज़ों का मैं जिक्र करूँगी। यहाँ पे हमने शुरू में हम जब आए थे तो हमें प्रो वुमेन लॉज जो हम समझते हैं कि हम जो बहुत सारे कानून पास कर चुके हैं, अभी तक क्यों खवातीन की पहुंच नहीं है, वहाँ पे अप्रोच नहीं है। एक तो अवेयरनेस सेशन में मतलब अवेयरनेस ना होना, तो इन खवातीन का उनकी पहुंच ना होना, उनको पता ही नहीं है कि जो लॉ उनके लिए बने हुए हैं, बहुत सारे खवातीन हमारी जो पढ़ी लिखी नहीं है उन चीज़ों में उनमें अवेयरनेस ही नहीं है। तो जब मेरी मीटिंग होती है हमेशा सेक्रेटरी साहब के साथ, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम क्या चीज़ कोई इस तरह की करें कि हम बलूचिस्तान के जो गांवों में और अब जो पूछे में खातून कोई बेटी हो चाहे पढ़ी लिखी हो ना हो, उसको अपने हकूक का और इन कवानीन का पता हो कि जो उनके लिए बन चुकी हैं। तो हमने बहुत सोच विचार के बाद इंशाल्लाह हमारा इसमें इरादा है कि मुख्तलिफ अवेयरनेस सेशन सेमिनार और इलाकों के अंदर घर घर मीडिया के जरिए, स्पेशली मैं यहाँ भूल गई थी मीडिया का जिक्र करना, उनका भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत सारे खवातीन के हमेशा स्पेशली मसाइल होते हैं वो हमेशा हाईलाइट करते रहते हैं। तो इस जरिए से हम इंशाल्लाह अवेयरनेस सेशन उन तक पहुँचाएँगे उनके लॉज के हवाले से। दूसरा हमने अभी स्टार्ट किया है हेल्पलाइन एक नंबर, यहाँ पे मैं सारे बलूचिस्तान की खवातीन को ये मैसेज देना चाहूँगी, 1089 पे आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको जेंडर बेस्ड वायलेंस का सामना हो, कहीं पे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस का सामना हो, इस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी डिपार्टमेंट में आप गए
कहीं पे आपको पुलिस डिपार्टमेंट में कहीं कोई कानून कोई इदारा हो इस तरह का कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, कभी कोई जमीन आप लोगों से छीनी गई हो, अपना विरासत में हिस्सा नहीं दिया गया हो, कहीं पे गए हो आपको सुना नहीं गया हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। किसी दूसरे डिपार्टमेंट जहाँ पे कोई अभी कभी किसी आप लोग गए हैं हेल्थ का हो कहीं पे भी हो आपका कोई काम ना हुआ, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे मदद मांग सकते हैं। आप हमारी टीम जो है आप लोगों को इसमें ज़रूर सपोर्ट करेगी। दूसरा जो है कानून बहुत सारे पास हुए थे, मैं समझती हूँ यहाँ पे जिक्र करना भूल गए हैं, हमारी मैडम साबरा बेटी हैं, ये कब के बन चुका था और उन पर इम्प्लीमेंटेशन का मसला था। हमारी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने हमने सबसे पहले हरासमेंटेड वर्क प्लेस जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने मैडम जो है साबरा है उनकी अपॉइंटमेंट हुई और फिर इनका ऑफिस बन चुका है और अभी जो है काफ़ी तादाद में उनके पास केसेस आ रही हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ जब कोई खातून किसी इदारे में जॉब करती हो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पे वो सिक्योर ना हो सेफ ना हो तो उस तरीके से अपना काम नहीं कर सकेगी तो जो उसको करना चाहिए। तो इसको इनको मतलब सेफ और सिक्योर और माहौल फ्रेंडली माहौल देने के लिए वर्क प्लेस में ये एक्ट पास करवाया है। अभी आसानी से खवातीन अपने केसेस बहुत सारी तादाद में खुद बता सकती हैं कि कर रही हैं। जब कोई मर्द कोई कुलीग उनको हरास करता है तो यकीनन हो जाके सबको पता है कि उनका ऑफिस कहाँ है और सारी चीज़ें, ये मैं समझती हूँ बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है हमारे गवर्नमेंट की। दूसरी यहाँ पे साइमा ने कहा जैसे सब ने कमीशन बलूचिस्तान कमीशन द स्टेटस वॉमिंग की बात की और ये बिल्कुल हमने इंटरव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, प्रोसेस में है कुछ चीज़ें हैं, इंशाल्लाह होपफुली इसी ड्यूरेशन में ये हमारा जो स्टेटस कमीशन है वो भी बहाल हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा खवातीन के हवाले से। और बहुत सारे जैसे सफर साहब ने जिक्र किया था वर्किंग वुमेन हॉस्टल, हमारी बहुत सारी खवातीन तकरीबन आज कल जॉब कर रही होती हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जाती हैं, उनको रेंज का मसला था तो जब मैं आई थी सीएम साहब से बात की तो उन्होंने इस बात का कि खवातीन जो है परेशानी बहुत सारी चीज़ों में बचने के लिए उनको दूर दराज के इलाकों में जब उनकी पोस्टिंग वगैरह होती है तो इसके डिस्ट्रिक्ट सतह पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल की जो है मंजूरी दी थी और जो है प्रोसेस के मरहले में तकरीबन 50% उनका काम हो चुका है। इसी तरह वर्किंग वुमेन बाजार, इसी तरह इंक्यूबेशन सेंटर है और इसी तरह एक और हमने जो है इनके वन वगैरह मिल चुके हैं हमें वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, तकरीबन हम 10 सिटीज़ में इसको अभी हमने शुरू किया है और नेक्स्ट में पूरा ये बलूचिस्तान में इसको फैलाएंगे। इसमें इकोनॉमिकली सोशली बहुत सारी चीज़ों में खवातीन को हम सपोर्ट करेंगे इन सेंटर में और टेक्निकली स्पेशल कुछ ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। और मैं इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि हमारे सीएम साहब ने जहाँ पे कोई एजुकेशन हो हेल्थ हो हर जगह पे जहाँ खवातीन के जो है कोटा वगैरह और सारे पे उन पे स्पेशली उनकी जो है मेहरबानी से बहुत सारी चीज़ें जो है उनको हमेशा अहमियत देते हैं इन चीज़ों को। तो अभी नेक्स्ट हम जो है हमारा भी इरादा है कि नेक्स्ट बजट में जैसे सना वालू साहब ने कहा कि कुछ हम स्पेस फ्रेंडली स्पेस की आपने बात की कि वुमेन जब यहाँ खवातीन जब हम निकलती हैं तो हमें वो फ्रेंडली स्पेस हमारे पास नहीं है। तो अभी हमने हमारा प्रोग्राम है कि हम एक सतह पर पहले हम देख रहे हैं कि उसको फ्रेंडली हम टॉयलेट्स और जो है फ्रेंडली एक स्पेस स्पेशली खवातीन के लिए, कि अमूमन आपने देखा होगा बाजारों में जब या बाहर से आप लोग आते हैं तो खवातीन के लिए उस तरह की वो फैसिलिटीज़ नहीं है कहीं पूरे क्वेटा में। जाहिर बात है इंसान एक नेचुरल चीज़ है, वहाँ पर आएंगे तो फिर के लोग कहाँ पर दूर दराज के इलाकों में, तो हमने इरादा क्या है बल्कि इस पर काम कर रहे हैं कि इस दफ़ा हम तकरीबन 50 के करीब इस बजट में वुमेन जो है फ्रेंडली टॉयलेट्स और स्पेस इंशाल्लाह इस बजट में।
दूसरी एक और जो है ये जबरदस्त चीज हम इंशाल्लाह कर रहे हैं स्पेशली खवातीन के लिए के ओपनी की इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल हमें मिल जाए, ये है वामेन जो एंडोमेंट फंड। इस पे मैं तकरीबन हमारी पूरी टीम और सेक्रेटरी साहब ये लगे हुए उनकी मेहनत से जो वामेन एंडोमेंट फंड पे हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी अप्रूवल के लिए हमने इसको सीएम साहब के पास भेजा है। ये एक ज़बरदस्त चीज़ होगी स्पेशली खवातीन के लिए, जब हम यहाँ पे वामेन एम्पावरमेंट और बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं, क्योंकि खवातीन जो है हम समझते हैं जब वो एजुकेशन के बाद जब तक वो स्ट्रॉन्ग न होगी इकनॉमिकली, मैं समझती हूँ और उसको सोसाइटी में फाइट करना और स्ट्रगल करना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब वो माली पोजीशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कि वो जाके किसी इदारे में अपने ये केस कर सकें, अपने कोई जो उसके ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि वो जाएगी जब उसका जो है अपने उनकी पोजीशन ही नहीं होगी तो उसको सपोर्ट कौन करेगा। इसका कोई इस तरह का कोई मैकेनिज्म और इस तरह का कोई तरीके का ज़रूर होना चाहिए खवातीन के लिए। तो इसको मैं समझती हूँ कि ये वुमेन एंडोमेंट फंड है, इसमें बहुत सारी जो है खवातीन के इश्यूज और इनको सपोर्ट करने में बहुत मदद मिलेगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, जब अभी हमने जो है स्पेशली शुरू किया है पिछले दिनों सना बलोच साहब हमारे साथ थे, हम जो है स्पेशल खवातीन बल्कि फीमेल के लिए हमने शुरू किया था, ज़ियाकार साहब हैं यहाँ पे, सरगुना साहिबा हैं, तो उनके साथ इंशाल्लाह हम मिल के वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जो है सोशल वेलफेयर राउत साहब इंशाल्लाह उनके लिए और स्पेशली इस वुमेन एंडोमेंट फंड में हमारी कोशिश होगी कि उनके लिए कोई ऐसी कंपोनेंट हम रखी जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जैसे मसाइल खवातीन को हैं इधर पेश और एक स्पेशल खातून जो होगी उसकी जो हालत है हमारे सूबे में उसको आप सब लोग उसको समझते हैं और जो है हेल्थ के हेल्थ का हो एजुकेशन हो और उन जगहों तक की जो पहुँच हो अप्रोच हो वो बहुत कम है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्योंकि फिर ये आता है तो वैसे सोशल वेलफेयर के उसमें तो हमें यही सोचना है कि हम ये हमारा काम है सोशल वेलफेयर काम है किसी का काम है हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, हमारा काम अपने हिस्से का करके जाना है, क्योंकि हमें आज ये पोजीशन मिली है हम समझते हैं कि हम यहाँ पे अगर कुछ करके गए क्योंकि हमें यकीनन इस बात का पूछा जाएगा कि आप इस पोजीशन में थे आप क्या करके गए हैं, तो इसी नियत के साथ हम लोग अपने ऐसे का छोटा छोटा अपना करके जाएंगे तो यकीनन हमारे इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इसके अलावा हम जो है ट्रांसजेंडर जो है पर्संस उनके लिए हमारा इरादा है कि इनके साथ साथ उनकी जो हम समझते हैं कि कंडीशन है हमारे सूबे में कोई पुरसान हाल नहीं है उनका, नेचुरली एक इंसान है कुदरती उनके साथ ये कोई मैं नहीं समझती कि गलत हुए वो इंसान है, उनको और रिस्पेक्ट और इज्जत और सोसाइटी में वो मकाम मिलना चाहिए बहसीत एक इंसान बाकियों को मिल रहा है। क्यों हम उनको इज्जत की निगाह से नहीं देखते, क्यों हम उनसे बात करते हुए डरते हैं, क्यों हमारे बकौले हमारी कुलीग ने कहीं प्रोग्राम में मैं गई सब लोग वापस जा रहे हैं, मैंने पूछा क्यों जा रहे हैं, कहते हमारा प्रोग्राम नहीं है, क्यों हमारा प्रोग्राम नहीं, हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, हर घरों में हो सकता है किसी के घर में भी पैदा हो तो क्यों हम इसको अपना हिस्सा नहीं समझते। मैं समझती हूँ कि ये जेंडर जो ट्रांसजेंडर पॉलिसी ये पास हो जाए तो इंशाल्लाह उनके लिए हर फील्ड में उनका कोटा होगा, चाहे एजुकेशन में चाहे जॉब्स में हर जगह, और देख लेना वो सोसाइटी में जब एक डॉक्टर बनेगा एक जो लॉयर बनेगा कैसे उसकी इज्जत नहीं होगी, ये इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि डेफिनेटली पास हो। और जो लास्ट में मैं समझती हूँ कि हमारी जो अचीवमेंट है इसका जिक्र ना करना जो है मैं समझती हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट की अचीवमेंट है और सपोर्ट यूएन की जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट पॉलिसी सीएम साहब की मेहरबानी से
उन्होंने जो बाकी कैबिनेट मेंबर हैं उन्होंने अप्रूवल दी है, तो ये इंशाल्लाह इसमें बहुत सारे इसके जो है ना रिजल्ट्स जो आएगा खवातीन के लिए स्पेशली और बलूचिस्तान के, तो इसके बहुत अच्छे नतायज आ जाएंगे और इस पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम इसके जाएंगे। तो लास्ट में फिर एक दफा आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल के आप लोग आए हैं और बिल्कुल आना चाहिए स्पेशली खवातीन को, क्योंकि आज उनका दिन है मैं समझती हूँ। तो आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।